नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में और मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। पराली फूकने की समस्या को लेकर किसानों ने धरना प्रदर्शन दिया। जी हां, लखीमपुर खीरी के निघासन में किसानों की पराली फूकने की समस्या को लेकर किसानों ने जो धरना प्रदर्शन 503 मांगों को लेकर किया है उसका समाधान हुआ है डीएम साहब के नेतृत्व में। डीएम साहब ने बताया कि आप लोगों की मांगों को मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार और पर्यावरण मंत्री तक पहुँचाने का श्रेय दिया है, जिससे किसानों में डीएम साहब को धन्यवाद देते हुए जय श्री राम के नारे गूंज उठे। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता विनय प्रताप सिंह की रिपोर्ट। ज्ञापन कुछ अपने ही भी बात रखने की कृपा करें। उपस्थित भारतीय किसान संघ के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण, आपका ज्ञापन 503 मांगों को लेकर के मुझे प्राप्त हुआ है, जो माननीय पर्यावरण मंत्री भारत सरकार और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित है। मैं ये ज्ञापन उचित माध्यम से जिसको संबोधित है उन तक पहुँचाऊँगा और उस पर जो भी कार्रवाई होगी, जो भी शासन स्तर से निर्णय लिया जाना है, तो ये आपका ज्ञापन पहुँच जाएगा। ठीक। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम चिट्ठी दे देंगे आप। ठीक, बताएं किस चीज़ की मांगे चल रही है। ये इसमें जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है वो बता रहे हैं कि कोर्ट का आदेश आया है जी, जो पराली का जी जी, एक पराली का सिस्टम ये है कि पराली एक तो हमारे यहाँ किसान कोई जलाते नहीं, यूपी में किसान कोई नहीं जलाता जी। पराली तो जानवरों को जलाने का काम आता जी जी, और उसके डंठल जलाए जाते हैं जी जी, डंठल जलाए जाते हैं, गन्ने की पत्ती जलाई जाती है जी जी। गन्ने की पत्ती इतनी बड़ी समस्या है कि गन्ने की पत्ती किसान कहाँ ले जाएगा। अगर वो किसान उसमें सड़ाने का काम करेगा तो उसको एक फसल पूरी की पूरी मारी पड़ जाएगी, वो फसल पूरी चली जाएगी क्योंकि वो पत्ती इतनी जल्दी जलती नहीं है। क्या मांगे आप लोगों की? हम लोगों की मांग है कि पत्ती हमारी पत्ती फूंकने का आदेश किया जाए, जो कोर्ट का आदेश है। और पत्ती फूंकने का भी कोर्ट का आदेश नहीं है, वो खाली पराली की समस्या है। पराली की समस्या के लिए हम लोगों को शोषण किया जा रहा है, किसानों के खेतों में, हम लोगों के खेतों में लेखपाल जाता है, लेखपाल से अधिकारी जाते हैं कि जहां अगर कहीं पत्ती फूंकी गई, अगर पत्ती नहीं फूंकेगा तो खेत कैसे साफ़ होगा, खेत नहीं साफ़ होगा तो उसमें अगली फसल कैसे डालेगा, और फसल नहीं डालेगा तो उसके तो बच्चे भूखों मर जाएंगे। ये कहाँ से कहाँ तक आप लोगों ने निकाली है? हम लोगों हैं निघासन चौराहे से, क्रय विक्रय से जी जी, और यहाँ SDM को ज्ञापन। आपने ज्ञापन दे दिया हो जी? ज्ञापन दिया हो? यस। किसको दिया ज्ञापन? SDM। अच्छा, SDM साहब ने क्या बोला आपसे? SDM ने शोषण तो उसने आश्वासन दिया है, आश्वासन दिया है, उसने बताया कि मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री और पर्यावरण मंत्री, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री उनको ज्ञापन। आपका नाम क्या है? धर्मवीर मौर्य। आपका? अमरजीत सिंह चीमा, उपाध्यक्ष। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल का भूमि पूजन। जी हां, उज्जैन में प्रभारी मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा ने रविवार को उज्जैन प्रवास के दौरान बड़नगर के संगम चौराहे पर भारत रत्न व संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बनाई जाने वाली प्रतिमा के स्थल का भूमि पूजन किया तथा बड़नगर में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ आजक्स से प्रांतीय महासम्मेलन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के हर जिले से हर गांव से गणमान्य उपस्थित हुए। इस अवसर पर बड़नगर विधायक श्री मुरली मोरवाल, घटिया विधायक श्री रामलाल मालवीय, तराना विधायक श्री महेश परमार, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री करण कुमारिया, आजक्स के प्रांतीय अध्यक्ष JN कंसांटिया साहब, आजक्स महासचिव पवन वर्मा जी के, आजक्स के पूर्व जिलाध्यक्ष अनोखी लाल भारती जी का, ब्लॉक अध्यक्ष जुगल किशोर, मालवीय तहसील अध्यक्ष ब्रजलाल सिंह राठौर एवं अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। उज्जैन से हमारे संवाददाता इंदर परमार से बात करते हैं प्रभारी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा। सुनिश्चित करना पड़ेगा कि शिप्रा कैसे शुद्ध हो, जब तक अधिकारियों को पूरी जवाबदारी नहीं दी जाती, उन्हें जब तक इसके लिए आदेशित नहीं किया जाता, तब तक शायद ये कमज़ोर पड़ती है। इसलिए पूरा अधिकार भी दे दिया मुख्यमंत्री जी ने। आप, मैं नहीं जानता कैसे शिप्रा शुद्ध रहे, मुझे आगे बताइए
कहीं कठिनाई आ रही है तो मैं तैयार हूँ सारी बातें करने। मानी मंदिर जी, करीब 15 वर्ष में हजारों करोड़ों पे सिपरा शुद्धिकरण नाम के शुद्धिकरण के नाम पर खर्च किए गए हैं, वो फिर भी सिपरा शुद्ध नहीं हुई, अब किस प्रकार से? साहब मैं वही तो कह रहा हूँ कि 15 साल की सरकार में भ्रष्टाचार की भेंट, सिपरा भी चढ़ गई, सड़कें भी चढ़ गई, कई झूठे डैम चढ़ गए, कागजों पे कई योजनाएं बन गई। 15 साल की भ्रष्ट सरकार में बहुत सारी चीज़ें कागजों पे बन के रह गई, लेकिन यथार्थ के धरातल पे आज भी कुछ हुआ नहीं है। अभी हमें साल भर पूरा होने वाला है, हमने निर्देशित कर दिया है कि हमारी सिपरा हमारी धार्मिक भावनाओं का प्रतीक है, वो शुद्ध रहना चाहिए। माननीय मंत्री जी, आज एक हृदय विदारक घटना घटी है, करीब 55 लोगों की मौत दिल्ली में हुई है, उज्जैन शहर के अंदर भी कई फैक्ट्रियां हैं, कई बेकरियां हैं, वहां पर अनियमितता है, किस प्रकार से इस मामले में जांच की जाएगी और अब किस प्रकार से क्या जांच वाँच का कोई विषय हमारे पास नहीं है। देखिए क्या है, असल में प्रशासनिक अधिकारी हो या सरकारें हो, अभी बहुत समय थोड़े दिन पहले एक घटना हुई थी कोचिंग क्लास में, हाँ कहीं भागने का रास्ता ही नहीं था, 500 बच्चे जल गए थे। हमारे देश में 15 दिन तक तो वो सब दृश्य दिखते हैं कि अरे भाई इतनी भी हृदय विदारक घटना हो गई, ये हो गया, सरकारों में बैठे लोग 15 दिन तक जागृत रहते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। यही परिणाम दिल्ली में हुआ कि 15 दिन तक तो खूब, लेकिन 15 दिन के बाद वो गायब हो जाती कि कैसे बच्चे जले थे, क्या दुर्घटना हुई, उसकी रोकथाम के लिए कोई कारगर उपाय नहीं किए जाते। हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने बहुत कुछ प्रतिबंधित कर दिया है, उसकी मॉनिटरिंग होती है, चाहे कॉलेज हो, चाहे कोचिंग क्लासेस हो या इस तरह की कोई जगह। माननीय मंत्री जी, कल शिवराज सिंह जी जो है दुष्कर्म को लेकर भोपाल में धरना देने वाले हैं, और उसको लेकर क्या रहेगा? शिवराज सिंह जी कल बैठने वाले हैं। देखो एक कभी भी आप लोग मंगा लेना, आप पत्रकार हो, दिल्ली में पिछले 5 साल भी बीजेपी की सरकार थी नरेंद्र मोदी की, एक प्रश्न के जवाब में स्वीकारोक्ति की गई थी माननीय मंत्री जी के द्वारा, केंद्र के बीजेपी के मंत्री हैं, कि हाँ सबसे ज़्यादा बलात्कार और गैंगरेप नाबालिग बच्चियों के साथ मध्य प्रदेश में हुए। अब वो व्यक्ति जिसका साम्राज्य मध्य प्रदेश में था शिवराज चौहान का, वो ढोंग धतूरे करने के लिए अब धरने पर बैठ रहा है, तुम्हारे राज्य में अबोध बच्चियों के साथ गैंग रेप हुए हैं, किसी को न्याय मिला नहीं है, तुम ये ढोंग धतूरा क्यों कर रहे हो भाई? ये सिर्फ ढोंग की राजनीति है वाहवाही लूटने की हमारे प्रदेश में। फिर भी हम लोग आज देखिए, आप एक समझ लीजिए, इंदौर में कितनी बड़ी घटना हुई, माय होम जैसी घटना, मुख्यमंत्री ने पूरे साम्राज्य को तहस नहस करा दिया, जहाँ 67 महिलाएँ पकड़ाई। ये परिलक्षित करता है कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ की सरकार दमदारी से काम कर रही है। उन्होंने कल भाषण में कहा इंदौर में, कमलनाथ जी ने, कि मैं स्वच्छ इंदौर, स्वस्थ इंदौर और सुरक्षित इंदौर देखना चाहता हूं। लोगों ने वाहवाही की सड़कों पे, आज तक इतने लोग कभी एक मुख्यमंत्री को देखने को नहीं खड़े थे, मैं दिन भर मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ था, हजारों लोग सड़कों पे उनको धन्यवाद देने खड़े थे कि एक आतंक का साम्राज्य। कुर्मी समाज ने उन्नाव की घटना को लेकर कैंडल मार्च निकाला। जी हाँ, संगम नगरी प्रयागराज में अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा ने सुभाष चौराहे पर प्रदर्शन कर विभिन्न स्थानों उन्नाव, हैदराबाद, प्रतापगढ़, मुजफ्फरपुर नगर, बुलंदशहर, कौसाम्बी, चित्रकूट, घटवा, दिल्ली, कैमूर, बक्सर, औरंगाबाद, अलवर, रतनाम, बलथाड़ा, ठाणे, रांची, दक्षिण कन्नड़, गोल के केंद्रपाड़ा, काली हांडी का खुदरा हावड़ा, मालदा एवं हुगली सहित सैकड़ों राज्य के शहरों में बलात्कार, गैंगरेप एवं हत्या की शिकार हो रही बहन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च कर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। वहीं कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की उदासीनता के कारण पूरे देश में अराजकता का माहौल बना है, और एक जहां पीड़ित का न्याय दिलाने के लिए सामाजिक संगठन सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र एवं राज्य सरकार पूंजीपति गुंडों, बलात्कारी विधायकों, सभासदों एवं मंत्रियों को सहयोग प्रदान कर बढ़ावा दे रही है, जिससे देश की जनता में दहशत का माहौल व्याप्त है। एक ओर जहाँ केंद्र और राज्य सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने का ढोंग कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर हमारे देश के जनप्रतिनिधि बलात्कार की घटनाओं में शामिल होकर पूरे देश को शर्मसार कर रहे हैं। प्रयागराज से हमारे संवाददाता कुमारी मनोज सिंह से बात करते हैं डॉक्टर हरीश चंद्र पटेल, प्रदेश महासचिव। अखिल भारतीय कुर्म क्षत्रिय महासभा उत्तर प्रदेश आज प्रदेश व्यापी हर जिले में हमारी जो बहन बेटियों के साथ बलात्कार, गैंगरेप,
और मर्डर किया जा रहा है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, सरकार को जगाना चाहती है। अंधी बहरी सरकार हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। आज हमारी बहनों की अस्मत लूटी जा रही है और उनकी हत्या की जा रही है। हम अखिल भारतीय कुर्म छत्री महासभा के मंच से राष्ट्रपति महामहिम महोदय से निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि हमारी बहन बेटियां जो इस घटना से पीड़ित हैं उन्हें न्याय दिया जाए, अपराधियों को तत्काल फांसी की सजा दी जाए और जो बहन बेटी इस घटना से पीड़ित हुई हैं देश के तमाम शहरों में उनको आर्थिक सहायता दी जाए और उनके परिवार को नौकरी दी जाए और छात्र छात्राएं जो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालयों में पढ़ रही हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। आज इन मांगों को लेकर के हम सुभाष चौराहा सिविल लाइन इलाहाबाद में हम लोग कुर्मी महासभा प्रयागराज इकाई की ओर से प्रदेश महासचिव डॉक्टर हरिश्चंद्र पटेल के नेतृत्व में इस आंदोलन को और यहाँ कैंडल मार्च करके श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। डॉक्टर हरिश्चंद्र पटेल, प्रदेश महासचिव, अखिल भारतीय कुर्म क्षेत्रीय महासभा, उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कल काली पट्टी बांधकर किया धरना। जी हां, संगम नगरी में उन्नाव रेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कल सुभाष चौराहे पर काली पट्टी बांधकर धरना दिया। वहीं आज सुभाष चौराहे पर पत्थर गिरजा तक कैंडल मार्च निकाला और सड़क पर जमकर नारेबाजी की, तो केंद्र प्रदेश सरकार को जमकर कोसा। वहीं सपा नेत्री सबीहा मोहानी ने कहा रेप के आरोपी को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए और उन्नाव गैंग रेप पीड़िता को इंसाफ मिलना चाहिए। सपा छात्र नेत्री नेहा यादव ने पीड़ित लड़की के लिए 50 लाख की मुआवजे की मांग की है, तो वहीं साथ ही सीएम योगी के इस्तीफे की मांग किया। तो वहीं पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष आदिल हमजा के सीएम योगी के इस्तीफे की मांग की और साथ ही कहा कि अपराधियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले और अब हम समाजवादी लोग चुपचाप नहीं बैठने वाले, सड़क से लेकर संसद तक रेप जैसे अपराध के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। प्रयागराज से हमारे संवाददाता कुमारी मनोज सिंह से बात करते सबिया मोहानी, सपा नेत्री और आदिल हमजा छात्र संघ। हम लोगों ने इंसाफ की मांग के लिए उन्नाव की जो रेप पीड़िता थी जिसने कल आखिरी सांस ली उसके लिए हम लोग मांग करते हैं कि उसके इंसाफ के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 50 लाख रुपए मुआवजा दें और दोषियों को फास्ट ट्रैक के तहत जल्द से जल्द उनको सज़ा मिले और बेटियों की सुरक्षा के लिए कौन सा कदम उठाएंगे इस बात की गारंटी दें और जब उनके पास अगर जवाब नहीं है तो इस्तीफा दे के जाके मंदिर में बैठ के घंटा बजाए। सरकार चलाने का उनके अंदर दम नहीं है, कानून ना मोदी बना पा रहे हैं कि कोई कानून सख्त बनाए और बनाएंगे भी तो उन्हीं के लोग, इसलिए हम चाहते हैं सख्त सख्त कानून बने, दोषियों को सजा मिले और हमारी उन्नाव की बेटी को इंसाफ मिले। आज क्या किया आप लोगों? आज हम लोग ने कैंडल मार्च निकाला है, ये सब तो सांकेतिक है, अभी तो हम लोग सड़कों में उतर के वो हल करेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो बाबा जी देख लेंगे, ये देख लेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। सबिया मोहानी, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य। नहीं, पार्टी इलाहाबाद की तरफ से सुभाष चौराहे से कैंडल मार्च निकाला गया, उन्नाव की बेटी के न्याय के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। मांगे ये हैं कि इस तरह की घटनाएं जो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं उन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए और योगी आदित्यनाथ जी को अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए, उन्नाव की पीड़िता के लिए कम से कम 50 लाख रुपये का मुआवजा देना चाहिए और इस तरह की घटनाएं आगे ना हो इसके लिए फास्ट्रैक कोर्ट का तत्काल प्रभाव से गठन होना चाहिए। हम सबकी यही मांगे हैं क्योंकि असुरक्षित हैं हम लोग सड़कों पर और बतौर लड़की, एक लड़की होने के नाते हम बाहर से आते तो हम चाहते हैं इस तरह की घटनाएं हमारे या किसी और महिला के साथ ना हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश प्रशासन इस पे कोई ना कोई रोकथाम तत्काल प्रभाव से लगाए। मैं नेहा यादव, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। गांव में जो हमारी बहन के साथ रेप हुआ उसके बाद उसको जिंदा जला दिया गया, उसके खिलाफ आज हम लोग समाजवादी लोग कैंडल मार्च निकाले अपनी बहन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और इस कैंडल मार्च से हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि अब हम समाजवादी लोग रेप जैसी संगीन घटनाओं के खिलाफ अब चुप बैठने वाले लोग नहीं, हम लोग सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हम ये अपील करते हैं कि जो दोषी है उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई हो ताकि जल्द से जल्द उनको फांसी की सजा हो, परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा मिले, उत्तर प्रदेश और केंद्र में उनकी सरकार है कोई ऐसा सख्त कानून बने जिससे रेप जैसी संगीन घटनाएं ना हो हमारे देश और प्रदेश में। आदिल हमजा, पूर्व उपाध्यक्ष छात्र संघ इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद। ये था अभी कुछ खास खबर। कुछ खास खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।